ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी एक महीने में बदल जाएगी। लो, हमारे दिमाग की एक मेंटल स्टेट है, इसे हासिल करने के बाद इंसानी दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन पावर काफी बढ़ जाती है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो मिहाइल सिंजन मिहाइल की किताब फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस पर आधारित है। दोस्तों, आज के भागते दौड़ते दौर में खुशहाल जीवन की तलाश बहुत मुश्किल हो गई है। हम सभी को दिमागी सुकून की जरूरत है। उसी सुकून और खुशियों की तलाश राइटर की किताब फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस पर आकर खत्म होती है। इस किताब में राइटर ने दिमाग के फ्लो स्टेट के बारे में बताया है, जो हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। इस स्टेट को हासिल करने के लिए राइटर ने टिप्स और ट्रिक्स भी इस बुक में बताई हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, वी ऑल क्रेव मीनिंग इन आवर लाइव्स, हैप्पीनेस रिविजिटेड। किताब की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि हम सभी ने अपने जीवन में सुना है कि जस्ट गो विद द फ्लो, यानी समय के प्रवाह के साथ बहें, लेकिन हमने इसके असली मतलब को समझने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर लोग समय की रफ्तार के साथ ही बहते हैं, यही वजह है कि ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। इसलिए आज से ही आप पर्सनल फ्लो की तलाश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद के भाग्य को लिखेंगे और आपको खुश और सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। पर्सनल फ्लो तैयार करने से पहले खुद के दिमाग को मजबूत करें। खुद के दिमाग को दो बातें समझाएं। पहली बात, जीवन में किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। कोई भी सिचुएशन ना तो बहुत आसान होगी और ना ही बहुत मुश्किल। दूसरी, अच्छे अनुभवों से खुश रहें और बुरे अनुभवों से सीखते रहें। ऐसा हो सकता है कि जीवन में कई बार आपको दुख का अनुभव होगा। जीवन के कई पड़ावों में आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन उस वक्त आप घबराएं नहीं और खुद के लिए एक बड़े लक्ष्य को तय करें। जीवन से दुख और डिप्रेशन को केवल बड़े लक्ष्य ही दूर भगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए एक बड़ा और सार्थक गोल बनाएं और उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। जीवन में खुश रहना है तो ये दो चीजें कभी ना करें। पहली, मौज मस्ती के लिए कभी कभी थोड़ा नशा करना अलग बात है, लेकिन कभी भी ड्रग्स या शराब के नशे की लत में ना पड़ें। इसकी लत जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है। दूसरी, आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म को भी साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर ही माने। कभी भी भक्ति के नशे में इतना चूर ना हो जाए कि आप इंसानियत ही भूल जाए। खुद के पर्सनल फ्लो को तैयार करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी, वो ये है कि एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है वो ये है कि एक इंसान किस हद तक सोच सकता है। इंसान की सोच दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि वो कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए जीवन में बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करें। इसके लिए आप किताबों के साथ साथ योग का भी सहारा ले सकते हैं। चैप्टर 2, द एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस, डोंट बी बेसिक। लाइफ को बेहतर करने के लिए मेहनत करना सीखें। याद रखें, आपको मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत करने की आदत आसानी से नहीं पड़ती है। इस खूबी को आदत बनाने के लिए आपको कोशिश करनी सीखनी होगी। इसलिए अगली बार छुट्टी वाले दिन जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो कम से कम कोशिश करना सीखें। इसे सीखने के लिए आप अपने दिमाग को तीन तरीकों से तैयार करें। पहला तरीका,
खुद के दिमाग को ऑर्डर दें कि उसे नई स्किल्स को सीखने की जरूरत है। ऐसा लगातार करने से आपका दिमाग नई खूबियों को सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका, किसी भी नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या भाषा को सीखने की शुरुआत कर दें। दुनिया में हुई रिसर्च में ये पता चला है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या भाषा को सीखने के लिए इंसानी दिमाग ज्यादा कोशिश करता है। इससे आपके दिमाग के अंदर कोशिश करने की आदत विकसित होगी। तीसरा तरीका, अपनी असफलताओं को एंजॉय करना सीखें। हर महीने किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ने की आदत डालें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि मुश्किलों को हराकर ही सफल बना जा सकता है। राइटर कहते हैं कि जीवन में कोशिश करते रहें, भले ही आपको बार बार हार का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी बेसिक लाइफ जीने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी छुट्टियों के दिन नेटफ्लिक्स पर बर्बाद ना करें। आपको पता होना चाहिए कि जिन सीरीज को आप अपना दिन भर लगाकर देखते हैं, उन सीरीज को बनाने वाले या उसमें एक्ट करने वाले लोग ही कभी कभी अपना काम देखना पसंद नहीं करते। इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद के समय की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। लाइफ में खुश और सफल होने के लिए इन 7 बातों का ख्याल रखें। पहली, हमेशा अपनी सोच को विकसित करें, दूसरे लोगों से नहीं बल्कि खुद से बेहतर बने। अपने लिए गोल खुद सेट करें। अगर तय समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त ना हो तो उसमें आगे बढ़ना भी सीखें। तीसरा, एंजॉयमेंट का असली मतलब खुद को पाना है, दूसरों की उम्मीदों पर जीना बंद करें। चौथा, ऐसा काम करें जिसे आप प्यार करते हो, यानी खुद के पैशन को फॉलो करें। पांचवा, रोज दिमागी एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी 1 महीने में बदल जाएगी। छठा, आज आप जीवन में जहाँ भी हैं उस बात का रिकॉर्ड जरूर रखें। ऐसा करने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफर कहां से शुरू किया था, और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहां तक जाना है। सातवां, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। ऐसा करने से आपका नजरिया बेहतर होगा, आपके अंदर सिचुएशन को समझने की नजर पैदा होगी। चैप्टर 3, फाइंड योर फ्लो, एंजॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि और असली खुशी के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ही असली खुशी मानकर जीवन जीते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपने जीवन में कभी भी असली खुशी का अनुभव नहीं हो पाता है। राइटर कहते हैं कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर एक ढोंग रचा रहे हैं। वो हमेशा प्रेजेंट में जीने और उसे एंजॉय करने के लिए कहते हैं, लेकिन बिना वर्तमान के बारे में समझे अगर आप उसे एंजॉय करेंगे तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ही तुरंत मिलने वाली खुशी है। इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए असली खुशी की तलाश करें और अपने खुद के फ्लो को ढूंढें। खुद का फ्लो बनाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसे तैयार करते समय इन 5 बातों का ख्याल रखें। पहला, जीवन में हमेशा समय की कीमत को समझें। समय की ताकत बहुत बड़ी होती है, इसके दम पर आप जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकते हैं। दूसरा, खुद का फ्लो बनाने के लिए एक अलग नजरिया होना जरूरी है, इसलिए ऐसे काम को चुनें जिसे आप बिना पैसों के भी पूरे पैशन के साथ कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में खुशी मिलती है तो लेखक बने। ऐसा करने से आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। विश्वास रखें, वही जीवन की असली खुशी है। तीसरा, जब पैशन का पता चल जाए तो उसके लिए जुनून पैदा करें, इसके बाद अपने स्किल्स पर काम करें। चौथा, किसी भी काम में एक्सपर्टीज यानी कुशलता हासिल करने में समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी, इसलिए अपने स्किल को विकसित करें और पूरी प्रोसेस पर विश्वास रखें। पांचवा, जीवन में डर का रोल भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। याद रखें, डर से भागना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। जैसे जैसे आप जीवन में खुद का फ्लो डेवलप करेंगे, वैसे वैसे ही आप डर का सामना करना भी सीख जाएंगे। चैप्टर 4, द कंडीशन ऑफ फ्लो, डेवलपिंग योर फ्लो। एक अमेरिकन टूरिस्ट के बारे में पुरानी कहानी है, जो इटली की एक दुकान में गया और उसने एक सुंदर मूर्ति देखी जो उसे पसंद आई।
जब उसने मूर्ति खरीदने के लिए दुकानदार से कीमत पूछी तो दुकानदार ने मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा बताई, लेकिन फिर जब टूरिस्ट ने मूर्ति खरीदने के लिए पैसे निकाले तो दुकानदार ने अपना इरादा बदल लिया। उसने तुरंत जवाब दिया कि अब ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है। शुरू में आपको ये कहानी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन आखिर क्यों कोई किसी के साथ माइंड गेम खेलेगा। लेकिन फ्लो का एक जरूरी नियम इसके जवाब में छुपा है। हालांकि इस कहानी में दुकानदार ने ग्राहक के साथ माइंड गेम खेला, लेकिन उसने ऐसा खुद के दिमाग को तेज करने के लिए किया था। अगर आप सोच रहे हो कि इससे पर्सनल फ्लो का क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक से आप अपना पर्सनल फ्लो बेहतर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लो को पाने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी की तलाश करनी चाहिए जिससे दिमाग जल्द से जल्द तेज हो सके। उस एक्टिविटी का चुनाव करते हुए ध्यान रखें कि वो बहुत आसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आसान काम से इंसानी दिमाग जल्दी बोर हो जाता है। हमेशा ऐसी एक्टिविटी का चुनाव करें जिसे करने के लिए आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जीवन में हमेशा अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए याद रखें कि आप हमेशा अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें। इसलिए राइटर कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए टू वे कॉन्सेप्ट को याद रखें, यानी कि इन दो चीजों से बच कर रहें। पहला, लेजीनेस। जीवन में अपने गोल्स को आसानी से पाने के लिए खुद को आलस्य से दूर रखें। इसके लिए खुद को नई नई चुनौतियां देते रहें। याद रखें, आपकी मुश्किलें ही आपको मजबूत और बेहतर इंसान बनाएंगी। दूसरा, फ्लाइटीनेस। हम सोचते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले तार्किक यानी रैशनल होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम अपनी भावनाओं में बहकर काम करते हैं और उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हम जीवन जीते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर होती हैं और हमारे काम पर भावनाओं का ज्यादा प्रभाव दिखता है। इसलिए आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और जीवन के इम्पोर्टेंट फैसले भावनाओं में बहकर ना करें। दोस्तों, जीवन में खुशी पाने के लिए जो दो और बातें मैंने द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि असली खुशी पाने के लिए एक दयालु और नरम दिल तेज दिमाग से ज्यादा जरूरी होता है। वेल्थ, मटेरियल सेटिस्फेक्शन, स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग, ये वो चार खम्बे हैं जिनके ऊपर इंसानी खुशी की नींव रखी जाती है। तीसरा लेसन जानने के लिए आप दलाई लामा द्वारा लिखी हुई द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बुक समरी को कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम ऐप के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। ऑडियो शोज ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 5, द बॉडी इन फ्लो, फाइन ट्यून योर सेंसेस। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि फ्लो हमारे दिमाग की एक मेंटल स्टेट है। इसे हासिल करने के बाद इंसानी दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन पावर काफी बढ़ जाती है। इस स्टेट में पहुंचने के बाद इंसानी दिमाग की शक्ति काफी बढ़ जाती है, जिससे उसकी काम करने की एबिलिटी भी काफी बेहतर हो जाती है। इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए अपनी बॉडी को फ्लो स्टेट में लाने की कोशिश करें। बॉडी को फ्लो स्टेट में लाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग के सेंसेस पर काम शुरू करें। इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना होगा। दिमागी सेंसेस को बेहतर करने के लिए इन 7 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर सुबह टहलने भी जाएं, तो रास्ते पर पड़ने वाले पेड़ पौधों पर ध्यान दें। उनके पत्तों और फूलों के रंग को नोटिस करें। ऐसा करने से आपके दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी और उसके सेंसेस भी मजबूत होंगे। दूसरा, अपनी सामान्य दिलचस्पी
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने मन में नए विचारों को डेवलप करें, एक मुश्किल काम को चुनें। अगर कभी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद को समझाएं कि अगर ये आसान होता तो इसे आपको नहीं दिया जाता। तीसरा, जीवन में बिना बात की भाग दौड़ को नकारें। याद रखें कि आप अपनी रफ्तार से भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको किसी भेड़ चाल में भागने की जरूरत नहीं है। चौथा, छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप अपने दिमाग से लेकर शरीर तक को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा, अपनी सोच को बड़ा करें। ऐसा आप अपने काम से भी कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़े। छठा, धैर्य के साथ काम करें। इसकी मदद से आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन को बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं, इसलिए आज से ही इस खूबी को अपने अंदर विकसित करें। सातवां, जिंदा दिल जीवन जीने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। चैप्टर 6, रिटेन योर ब्रेन, द फ्लो ऑफ थॉट। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि खुद के फ्लो को डेवलप करने के बाद इंसानी दिमाग का फोकस भी बेहतर हो जाता है। जैसे जैसे बॉडी फ्लो स्टेट में आने लगती है, वैसे वैसे ही इंसानी दिमाग के सेल्स भी वेव प्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे ये वेव्स अपना कमाल दिखाती हैं, जिससे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। 90 मिनट के कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में जाने के लिए तैयार हो सकता है। अगर आप फ्लो स्टेट को हासिल करना सीख लेंगे तो आपके दिमाग को इससे कई फायदे होंगे। फ्लो स्टेट में जाने के बाद आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाएगा, जिससे आपका दिमाग ध्यान की मुद्रा में चला जाएगा। इस समय आपके दिमाग में एंडोजेन नाम का केमिकल रिलीज होगा, जिसकी वजह से दिमाग के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। फ्लो स्टेट की वजह से आपके दिमाग में नए विचार भी डेवलप होंगे। जब फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी दिमागी वेव्स और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, जिससे आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी आ जाएगी। इसी इंट्यूशन पावर का उपयोग दुनिया भर के जीनियस करते हैं। इसकी मदद से वो किसी भी दिक्कत का सामना बड़ी दिलेरी से करते हैं। याद रखें कि फ्लो स्टेट के फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद आपको खुशियों के लिए किसी और का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आज से ही अपने दिमाग के ऊपर काम करना शुरू करें। हमेशा नए नए स्किल्स को सीखने के लिए तैयार रहें, लेकिन ध्यान रखें कि एक खूबी के महारथी बनने के बाद ही दूसरी खूबी को सीखें। अपने फोकस को दुनिया की बातों से हटकर खुद के ऊपर लगाएं। आज से ही खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के सफर की शुरुआत करें। खुद के ऊपर काम करने से पहले दो बातें अपने दिमाग को समझा दें। बीते हुए समय में जीना बंद करें। आपका पास्ट जा चुका है, आप उसे नहीं बदल सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर किसी इंसान ने आपको बीते समय में दर्द दिया है तो उसे भूलें और आगे बढ़ें। लोगों को माफ करना सीखें। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो उन्हें माफ करें। किसी को माफ ना कर पाना ही सारी समस्या का जड़ है। इस बात के ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरों को दोष देने से या फिर माफ ना करने से पैदा होती है। राइटर लुई हे ने अपनी बेस्ट सेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ में कहा भी है कि आपको उसे सबसे पहले माफ करना है, जिसे माफ करना सबसे मुश्किल है। हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर यू कैन हील योर लाइफ पर एक वीडियो बनाया है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। चैप्टर 7, वर्क एज फ्लो, ट्रीट योर वर्क लाइक अ गेम। फ्लो स्टेट को हासिल करने के लिए दो फंडामेंटल रूल्स को याद रखें। पहला, स्किल्स यानी खूबी, दूसरा चैलेंज यानी चुनौती। मान लें कि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय के लिए आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो काम बहुत आसान है, उस काम को करने में कोई चैलेंज नहीं है, तो क्या आप उस काम को हमेशा एंजॉय कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग सरल काम को कुछ समय तक तो कर लेता है, लेकिन बाद में उससे बोर हो जाता है। यही कारण है कि बच्चे वीडियो गेम्स को कुछ महीने खेलने के बाद छोड़ देते हैं या तो दूसरा गेम खेलने लगते हैं। इसलिए एक रिसर्च के अनुसार
किसी भी काम में स्किल और चैलेंज का रेशो 1:4 होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि काम में चुनौतियाँ हमेशा हमारी खूबियों से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हम फ्लो स्टेट को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके काम में चुनौतियों की कमी हो तो आप उन्हें आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इंग्लिश के लेक्चर में बोर हो रहे हो तो वहाँ बोले जा रहे वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन शुरू करें। ऐसा करने से आप खुद को एक नया चैलेंज देंगे। इस तरह की एक्सरसाइज से आप खुद के दिमाग को भी डेवलप करेंगे। आज से ही अपने काम को एक चैलेंज की तरह लें। इसके लिए बेट रूल को फॉलो करें। अपने काम को लेकर खुद से शर्त लगाएं कि क्या मैं इस काम को इतने समय में पूरा कर सकता हूँ। अगर आप शर्त जीत जाएं तो खुद को इनाम भी दें। फिर अगले दिन उस शर्त को और ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश करें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही आप अपने काम को एक खेल की तरह लें। उसे दिल से खेलें और एंजॉय करें। ऐसा करने से आपका जीवन सरल और सुंदर बनेगा। चैप्टर 8, एंजॉयिंग सॉलिट्यूड एंड अदर पीपल कनेक्ट विथ योर कम्युनिटी। जीवन में सफल होने का मतलब सिर्फ करियर में सफल होना नहीं है। जीवन की खुशियाँ कई पहलुओं को मिलाकर बनती हैं। इसलिए याद रखें कि कभी भी आपकी पर्सनैलिटी एक बबल में यानी कि बिना किसी बाहरी प्रभाव के विकसित नहीं हो सकती। इसलिए अलग अलग रहने के बजाय अच्छे साथियों के साथ रहें। ऐसा करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। जीवन के 4 पिलर्स यानी स्तंभों को मजबूत करें। आपकी लाइफ अपने आप बेहतरीन हो जाएगी। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, परिवार। आपके जीवन की आत्मा आपका परिवार ही है, इसलिए इसका बेहद ख्याल रखें। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कभी भी परिवार के साथ वक्त बिताना बंद ना करें। जब भी आप मुश्किल में होंगे, आपके साथ आपका परिवार ही नजर आएगा। दूसरा, काम या पैशन। अपने पैशन को ही अपना काम बनाएं। ऐसा करने से आप खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। इसलिए हर रोज अपने पैशन के ऊपर काम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे। तीसरा, दोस्त। अच्छी दोस्ती जीवन में 9वें रस की तरह होती है। इसके होने से लाइफ पूरी हो जाती है। इसलिए भले ही कम दोस्त बनाएं, लेकिन अच्छे दोस्त बनाएं। चौथा, खुद की मेंटल हेल्थ। भले ही आप जिम जाना भूल जाएं, लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इसे बेहतर करने के लिए दिन में सिर्फ 15 मिनट खुद के साथ समय जरूर बिताएं। अंत में, हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना वो जिस तरह करता है वही खूबी उसे सफल बना देती है। चैप्टर 9, चीटिंग केओस इंक्रीज फोकस डिक्रीज एंग्जाइटी। राइटर कहते हैं कि आज हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना ली है कि एंजाइटी यानी घबराहट आम सी चीज हो गई है। आज के समय में हर दूसरे इंसान को एंजाइटी की दिक्कत रहती है। ये अलग बात है कि कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखें कि अगर हम अपनी सिचुएशन को सही तरीके से लेना सीख जाएं, तो घबराहट जैसी दिक्कतें होना भी बंद हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम आम सी उदासी को डिप्रेशन से जोड़ लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो दरअसल डिप्रेशन नहीं, उदासी है। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज की मदद से हम खुद की मदद कर सकते हैं और एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले आप खुद के ऊपर भरोसा करें। खुद के दिमाग को ये एहसास दिलाएं कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। अपने ईगो को साइड में रख दें और रियलिटी यानी असलियत को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। क्रिएटिव काम करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुश्किल समय में दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करें, यानी इमोशंस में बहकर कोई भी बड़ा फैसला ना करें। रोजाना एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आप खुश रहेंगे। खुशहाल माहौल में रहें। चिंता वाले माहौल से दूर रहें। याद रखें कि आपके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपके अलावा कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता है। खुद के लिए एक बड़ा गोल सेट करें। ऐसा करने से आपका दिमाग खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा।
खूब काम करने की कोशिश करें। याद रखें कि काम ही आपको मुश्किल समय से बाहर निकालेगा। एंग्जाइटी या फिर घबराहट को हल्के में ना लें। खुद के लाइफस्टाइल और सोच के ऊपर काम करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 26 करोड़ से ज्यादा लोग एंग्जाइटी से पीड़ित हैं। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लेकिन जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आप इस दिक्कत को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ याद रखें कि भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हों, उन सभी की एक ही दवा है और वो है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का कम असर होगा। खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने की शुरुआत करें। चैप्टर 10 द मेकिंग ऑफ मीनिंग डिस्कवर योर पर्पस थ्रू एक्शनेबल गोल्स। दिमाग को सही तरीके से ट्रेनिंग देकर आप एंग्जाइटी से तो पीछा छुड़ा ही लेंगे, साथ ही साथ आप अपने जीवन के पर्पस यानी उद्देश्य को भी ढूंढ लेंगे। याद रखें, बिना उद्देश्य के जीवन खराब है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपके पास पर्पस होना ही चाहिए। इसलिए आज से ही अपने पर्पस की तलाश पूरी करें। एक बार जब आपको पर्पस मिल जाए तो उसे गोल में बदलने की कोशिश करें। राइटर कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य उस सपने की तरह है जिसके पांव होते हैं, इसलिए सिर्फ गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप उन गोल्स की तरफ कितनी दिलेरी से मेहनत करते हैं। अगर आप पूरी जान लगाकर छोटे छोटे कदम भी उठाएंगे तो भी आपको सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सपने देखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों के साथ डेडलाइन जरूर लगाएं। ऐसा करने से आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। अधिकतर लोग डेडलाइन नहीं लगाते हैं, इसलिए 90% लोगों के सपने पूरे ही नहीं होते। आज से ही अपने सपनों को उड़ान दें, जिससे ये आपके जीवन में पर्पस ला सकें। जैसे जैसे आप अपने गोल्स पूरे करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके सपने भी पूरे होते जाएंगे। इसलिए आज से ही खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। लेकिन गोल सेट करने के समय कभी भी टू डू लिस्ट की मदद ना लें। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से फैलाया गया जाल है जिसमें आप ना फंसें। इसकी जगह आप डेडलाइन मेथड का उपयोग करें। इस मेथड की मदद से आपकी पर्सनालिटी में भी काफी ज्यादा निखार आएगा। आपके अंदर खुद को चुनौती देने वाला एटीट्यूड डेवलप होगा, जिसकी मदद से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने जीवन के फ्लो का निर्माण करें, असफलता को सफलता में बदलने की कला सीखें, कभी भी बेसिक लाइफ ना जिएं, जीवन की असली खुशी की पहचान करें, नशे की लत से दूर रहें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आपका फ्लो आपके अंदर ही है। अपनी सोच और दिमाग के ऊपर काम करें, दिमागी सेंसेस को भी बेहतर करें, अपने पैशन से प्यार करें और उसे फॉलो करें, अपने काम को खेल की तरह लें, रोज उसे खेलें और जीतें, जीवन के पर्पस की तलाश करें और खुद के लिए सार्थक लक्ष्य बनाएं। अगर आप भी जीवन में असली खुशी पाकर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बुक समरी सुन सकते हैं। 50% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड BB50 यूज करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।